आज हम आप लोगों से बताने जा रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को हम रिसाइकल कैसे करते हैं। आज हमारे पास ये थी, जैसे हमारे घर पेंट हुआ था तो उसकी जो है ना बाल्टी थी, मैंने उठा के रख ली थी। मैंने सोचा इसका मैं कुछ करूँगी ना, अब मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा था फिलहाल, तो जो है ना मैंने सोचा कि जो है ना चले आए। मैंने सोचा कि इसको जो ना हम यूज़ में लेकर आते हैं कि हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, डेकोरेशन ना थोड़ा सा इसको बनाते हैं, कुछ स्टूल बन जाएगा बैठने का और इसके अंदर आप कुछ भी चीज़ें रख सकती हैं और इसका कवर भी होगा ये, तो हम कुछ भी डाल देंगे इसके अंदर और स्टूल बैठने के लिए भी बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक जीन्स थी, इसको अब हम जो ना कट करेंगे। देखें अब हमने इसको कट कर लिया, इसको कटिंग कर लिया, इसका ये हमने इसको कटिंग करके इसके लिए कर लिया है। अभी हम इसको करेंगे, अभी हम आपको इसको बताते हैं, अभी हम पहले इसके लिए करते हैं ना। तो चलेंगे, देखें ये जो ना ये इसका ढकना है ना, तो इसके ये देखें थोड़ा सा इसके अंदर वो है, अगर हम इसको खाली कपड़े को लगा देंगे ना ऊपर से तो वो बहुत ज़्यादा दबेगा चुभेगा, तो हमने सोचा कॉटन पड़ी हुई है हमारे पास तो हम इसके ऊपर लगा देते हैं कॉटन का ना, तो थोड़ा सा हम इसको वो कर देते हैं। ये देखें इसको ऐसे करके और ये ऐसे यहाँ पर, तो एक बैठने का स्टूल भी बन जाएगा। ये देखें आप, देखें कितना प्यारे से इसका एक वो बन गई, कुशन कवर जैसा बन गया ना, तो वो इसके ऊपर बैठने में भी अब आपको मज़ा आएगा। देखें अब ये इसके ऊपर हम चिपकाने जा रहे हैं ना, अभी मैं इसको ऐसे राउंड में इसको चिपका लेंगे, अपने पूरा कवर कर लेंगे। अभी हम आपको ये लगा कर दिखा देंगे कैसे हम करते हैं इसको। देखिए हमने इसके ऊपर मल्टी को भी चिपका लिया है ना, हमने इसके ऊपर भी चिपका लिया है और इसके ऊपर लग गया है। देखिए आप बिल्कुल माशाल्लाह से कपड़े बन गए, इसके अंदर भी हम कपड़ा लगा सकते हैं, अभी तो फिलहाल हम नहीं लगा रहे कपड़ा और इसके अंदर कपड़ा लगाएंगे और अच्छी खूबसूरत बन जाएगी वहाँ से पूरा राउंड लगा के। और अब हमारा ये कैप था हमने ये बना लिया है, आप देखें इसके ऊपर हमने ये ढक दिया है, आप इसके ऊपर स्टूल के ऊपर हम बैठ भी सकते हैं, छोटी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। ये देखें कितनी सॉफ्ट है, कितनी नरम है, ये देखें